हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि विंडो एसी की सर्विस कैसे करते हैं। अगर विंडो एसी में कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को कैसे जाने। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि विंडो एसी को सर्विस कैसे करते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि जो आपका वायर होता है केबल, ये हमारे पास केबल है एसी का, मेन का न्यूट्रल फेस, इन दोनों केबलों को आपको क्या करना है, अलग करना है। किसमें से देखिए, नॉर्मली आपके पास जो एसी होता है वो इंस्टॉल होता है, ये एसी रीस्टॉल है। मतलब ये एसी हमारे पास बेचने के लिए आया है, तो ये एसी लगा पड़ा नहीं है, तो ये आपका बॉडी के अंदर इंस्टॉल होता है और इसे बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेन वायर है उसे आपको रिमूव करना है, यानी जो पावर वायर है उसे आपको रिमूव करना है आपके एमसीबी बॉक्स से और स्टेबलाइजर से। आपको इसे रिमूव करने के बाद क्या करना है, इन इन दोनों को यहाँ पे लॉक होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक अंदर की तरफ उठाना है, मतलब इसे एक अंगूठे को अंदर की तरफ डाल के इसे ऊपर की तरफ करना है और ये इसे खोल के इधर से यहाँ लॉक होता है। ठीक है, ये पूरा हमारा कंप्लीट खुल गया, देख सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिल्टर निकालना है, क्योंकि लॉक होता है, देख के कि लॉक टूटे ना आपका। आपको एक इधर से पहले खोलना है, पहले एक तरफ से कंप्लीट खोलना है, उसके बाद दूसरी तरफ से देखिए ये भी लॉक है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ करते ही आपका खुल के रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्लास्टिक के आइटम है, जितने भी टूटने वाला आइटम है, इन सबको आपको अलग करके रख लेना है कि ये ब्रेक ना हो। उसके बाद क्या करना है, आपको आपको एसी कुछ ऐसा देखेगा। ठीक है, जो आपकी बॉडी होती है ना, ये आउटर बॉडी है, ये क्या होगा, हमारा इंस्टॉल होगा, फिक्स होगा किसी भी पार्ट में। हमको इसे और इसे दोनों को अलग करना है। जैसा कि अब देखेंगे हम इसे अलग कैसे करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसे आपको आगे की ओर खींचना है। ठीक है, जैसे आप आगे की ओर खींचेगा आपका ये बाहर की तरफ निकल आएगा। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट बाहर निकाल लेता हूँ। आपके ये स्टॉल होगा बॉडी, तो आपको निकालने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसे थोड़ा बैकग्राउंड से, ठीक है, अब मैं इसे बड़ा और आपको थोड़ा एसी, जैसे कि देखिए इसमें जो मैक्सिमम जो खराब होने वाली चीज है वो कूलिंग कॉइल है। आप देख सकते हो इसमें जो मैक्सिमम खराब होने वाली चीज है वो कूलिंग कॉइल है, और ये इसे भी साफ सुथरी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। ये इसका कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर का साइज डिपेंड करता है कि कितने टन का है। जो कंप्रेसर का साइज है ना, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ बगल में यहाँ एक मोटर दे रखा है ब्लोइंग के लिए, एयर के लिए, और ये हमारा कंडेंसर है और इसे हीटिंग कॉइल भी कहते हैं। अब ऊपर से भी देख सकते हो एसी की सर्विस नहीं हुई है, तो आज हम एसी की सर्विस करेंगे। आप अपने घर में सर्विस बगैर मशीन के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मशीन से आज करके सर्विस दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने पेच है ना यहाँ पे, सारे के सारे पेच को खोल लेना है। ठीक है, तो पहले पेज खोल लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने इसे पूरा ही खोल दिया है, यहाँ जितने पेज थे मैंने इसे खोल दिया है, और इसे थोड़ा साइड करके रख दिया मैंने, और बैकग्राउंड का भी इसे खोल लिया है। जब भी आप सर्विस करो तो इस एसी को पूरा कम्प्लीटली आपको खोल लेना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इधर है, इधर पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। देखिए दो चीज, एक इसके अंदर और एक ये जो मोटर है, इसे आप कवर कर दीजिएगा मोटर को। और इसको बचाने के लिए क्या करना है, आपको इधर की हाइट थोड़ी ऊपर रखनी है। क्या करना है, हाइट थोड़ी ऊपर रखनी है। ठीक है, तो हमें, मैं एसी को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ उधर की तरफ, क्योंकि हमारा जो ढलान है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, ये मेरे पास मोटर है, इससे प्रेशर से मैं वॉश करूंगा अभी। ठीक है, जैसा कि मैं इसे थोड़ा सेट कर लूं, आपको क्या करना है, आगे कूलिंग कॉइल पे, जैसा कि देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसे कूलिंग कॉइल पूरा ही, पहले मैं इधर कुछ डाल लेता हूं। आप देख सकते हो कि मैंने इधर ऊंचा कर दिया कि पानी का जो ढलान हो बिल्कुल पीछे की तरफ हो। अब मैं इस पे क्या करूंगा,
मेरे पास मशीन है, इस मशीन से मैं आप नॉर्मली पानी भी ले सकते हो और पानी से ऐसे से मार सकते हो। इससे क्या होगा कि जो कूलिंग वेल होगी हमारी क्लीन हो जाएगी। वैसे मशीन से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो नॉर्मली आप हाथ से भी वॉश कर सकते हो। ठीक है, एक और बात, यहाँ थोड़ी हमारी मशीन लगी पड़ी है तो मशीन में पानी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसे मैं अपना मशीन, चलिए पहले हम दो लेते हैं। ये हमारा कंडेंसर है, ये 5-स्टार एसी है इसलिए जिसमें एक मिनट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर से पानी मार रहा हूँ। अंदर से पानी मारने का फायदा क्या है कि हमारा जो पूरा है वो क्लीन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मशीन का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण आपको पूरी तरीके से क्लीन कर लेना है। ठीक है, अब मैं वीडियो थोड़ा पॉज करके से क्लीन करता हूँ उसका। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा इसे क्लीन हो गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा अभी पानी भरा पड़ा है तो इसे भी हम मैंने पूरे ही कंडेंसर साफ कर दिया है। आपको मिट्टी भी दिखाई दे रही होगी, तो बस आपको मोटर और पीसीबी का ध्यान रखना है और यहाँ पे पानी नहीं मारना। ठीक है, जो आपका फ्रंट का लोकेशन है ना, इस लोकेशन पे आपको पानी नहीं मारना है क्योंकि यहाँ पे अंदर मोटर होता है तो आपका मोटर खराब हो सकता है। आपको ये जो कॉर्नर का लोकेशन है ना, कॉर्नर का ये लोकेशन, इस पे आपको बिल्कुल भी पानी नहीं मारना है, कोशिश यही कीजिएगा। ठीक है, और जो मोटर है, ठीक है, मोटर क्या होता है, सील होता है, लेकिन फिर भी अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है। हम मोटर के ऊपर पानी नहीं मारते हैं और हमारा जो मेन एम होता है इस कॉइल को साफ करना और कूलिंग कॉइल को साफ करना। तो जैसा कि मैंने कूलिंग कॉइल को साफ कर दिया है, हीटिंग कॉइल भी साफ हो गया है, अब इसे थोड़ा साफ कर लेंगे, सुखा लेंगे, उसके बाद हम जो हमारे पास हमारा ये है हम इसे भी क्लीन करके इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा एसी काम कर रहा है या नहीं। बस फोकस क्या करना है कि आपका जो पीसीबी हो इसमें कोई वाटर नहीं जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और मोटर के अंदर कोई भी किसी तरीके का फॉल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसके पीछे भी अलग अलग कारण होते हैं, मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप देखिए, जब भी आप सर्विस कराइए ना तो इन चीजों पर फोकस कीजिएगा। जो आपकी ये कूलिंग कॉइल खराब हो रही है, आपको क्या करना है, इस कूलिंग कॉइल के ऊपर पेंट मारना है। मैं अभी आपको सामने मार के दिखाऊंगा। देखते हैं ये क्या हो रहा था कि इस एसी में जंग लग रहा था। हम क्या करेंगे, आप एक स्प्रे पेंट करेंगे। हमारे पास एक स्प्रे है, मैं इसे क्या करूँगा, पेंट करूंगा कि जो हमारा एसी है ये खराब ना हो। आपको क्या करना है, हल्का हल्का ऐसे मारना है कि जो जंग है वो, ठीक है, आपको ओनली उसी पे मारना था जंग लग रहा हो। और कोशिश कीजिए मतलब जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की। जब भी आप सर्विस कराइए तो ये कराना जरूर कराइएगा, क्योंकि सर्विस में ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके जितने फॉल्ट है उन फॉल्ट आने से पहले उस फॉल्ट को रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो देखिए अगर बाय चांस कभी कहीं से कोई लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर सिल्वर पेंट मारा और मे भी हो सके तो हमेशा सिल्वर ही मारिएगा, क्योंकि सिल्वर होने के कारण क्या है कि अगर कोई फॉल्ट आता तो हमें इसे पता चल जाता है। ठीक है, पीछे मारने की भी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम मार देते हैं। ठीक है, पेंट उतना वैसे बर्बाद तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हमारी एसी को सेफ। देख लीजिए मैंने पूरे में मार दिया है और कल को कहीं से कोई दिक्कत आएगी, ये 5-स्टार है इसलिए इसमें कॉइल थोड़ा मोटा है। वैसे नॉर्मली सब में पतले कॉइल दिए जाते हैं, नॉर्मली का मतलब ये नहीं कि सब में ही। ठीक है, तो मैंने इस पे पेंट कर दिया है, वैसे ये ठीक था, इसकी जरूरत नहीं थी, इधर की जरूरत थी तो मैंने इधर इस पे मार दिया। ठीक है, एक बात याद रखिए, जब भी आप एसी सर्विस कराए तो इन चीज़ों पे फोकस जरूर कीजिए, क्योंकि सर्विस में ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैंने इस पे कलर पेंट कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि ये खराब होगा इतनी जल्दी, लेकिन देखिए क्या होता आगे। तो हमारी एसी कंप्लीट सर्विस हो गई है, अब मुझे इसके ऊपर का ढक्कन लगाना है इंस्टॉल करके, उसके बाद आपको दिखाना है पोंछ कर, मतलब आपको चला के एक बार दिखा दूंगा कि आप कैसे पता करो कि एसी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहाँ तक सर्विस हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो मैं अब वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ढक्कन लगाने के बाद आपको फिर कंप्लीट करूंगा इस वीडियो को।
मैंने यहाँ एसी के सभी पेच लगा दिए, जैसे कि आप देख सकते हो इसे मैंने कंप्लीट टाइट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आगे से एक हाथ यहाँ से, ठीक है, इसे खड़ा कर लेना। ठीक है, तो पहले मैं इसे खड़ा कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे खड़ा कर लिया। खड़ा इसलिए किया है कि जो पानी है इसके अंदर गया है, एक मिनट, इसके अंदर जितना भी पानी गया है वो पानी सब साफ हो जाए। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस पर मार सकता हूँ पानी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, वो उतना क्लीन हो चुका है। ठीक है, तो हमारी एसी सर्विस होके कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको एसी को बस उसके अंदर डालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप एसी को चेक कैसे करें बगैर किसी भी इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मली आप अपने एसी को खुद ही चेक कर सकते हो, आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसा मैं वीडियो बताऊंगा आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो की अभी वेट कीजिए। आपको इसे कपड़े से क्लीन करना है, गीले कपड़ों से। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आए, समझ आए, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो कि आपके एसी में कूलिंग नहीं आ रही तो उसके पीछे क्या, मतलब कोई भी अगर आपको डाउट हो अबाउट एसी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको सर्विस में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी बता दीजिएगा, हम सर्विस भी करवाते हैं, करते हैं। और अगर कोई अगर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।